हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारा इस नया वीडियो में। मैंने रात को ही अरुआ चावल और उड़द दाल भिगो के रख दिया था। दोस्तों, आज हम लोगों को दिखाएंगे कि हम घर पर कैसे बनाते हैं दूध और चावल की चीला रोटी। चावल में पानी डाल के रख देती हूँ। भिगो हुआ चावल को सिलबट्टे में पीस रही हूँ। आप लोग चाहे तो ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। चावल पीसने के काम खत्म हो गया है। उसमें आप नमक और पानी डालेंगे और उसको मिलाएंगे, थोड़ा पतला बनाएंगे। ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, कम ही मिलाना है। फिर उसको कढ़ाई गरम, उसके बाद दूध को डाल के गरम कर लेंगे। दूध गरम होने में 5-10 मिनट लेट होगा। आप गरम हो गया है, उसके बाद डाल देते हैं शक्कर। उसको चम्मच में अच्छे से मिला देते हैं। रेडी हो गया है। दूसरा कढ़ाई गरम करके उसमें तेल डाल देते हैं, फिर बनाएंगे रोटी। चावल की बैटर को डाल देती हूँ, उन्हें तक बेट करती हैं। उसके बाद ढक्कन लगा के अच्छे से पकने के लिए बेट करते हैं। पक गया है अच्छे से, उसको पलट देते हैं। ऐसे ऐसे करके सब बनाना है। चीला रोटी रेडी हो गया है। उसके बाद दूध में डाल देते हैं और दूध में अच्छे से उसको डुबा के रखेंगे ताकि वो पी के फूल जाए। ये सब हो गया है रेडी। चलो इसको बाहर निकाल के देखिए दोस्तों, कितना अच्छा और कितना सॉफ्ट बना हुआ है और खाने पे भी टेस्टी है, यमी है। आप लोग घर पे प्लीज ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।